खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बिजनेसमैन जो रहता है उसका बेटा बिगड़ा हुआ रहता है, ऐश करता है, जैसे लफंग अच्छे नवाबियों का शौक होता है ना वैसे। तो इस मूवी में मेरा सेकंड लीड किरदार है। मैं बाहर से आती हूँ, फॉरेन से, और कहीं ना कहीं मैं इंडिया से बहुत प्यार करती हूँ, तो इंडिया का कल्चर मुझे बहुत पसंद आता है। तो इस टाइप का किरदार है मेरा। काफ़ी अच्छा लगा इस मूवी में काम करके, फर्स्ट एक्सपीरियंस था, सबके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। इसके पहले मैंने और एक मूवी किया है, वो लॉलीवुड द क्रेज ऑफ लखनऊ, वो भी मेरा, दोनों मूवी सेम रिलीज होने वाली है मार्च में। तो उसके साथ वो मेरा फर्स्ट काम, मैंने वो फर्स्ट किया है, लेकिन मेरा फर्स्ट मूवी रिलीज होने वाला लफंगे नवाब, तो मेरा डेब्यूट फिल्म लफंगे नवाब ही होगा। और लफंगे नवाब मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, मतलब उसमें काफ़ी सारा एक्सपीरियंस मैंने किया है, मतलब अच्छा लगा मुझे वो उस मूवी में काम करके, काफ़ी सारे एक्सपीरियंस मिला मुझे। इससे पहले मैं रहती थी आसाम में, मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप आसाम में हुआ, एंड स्टे करती हूँ मैं बैंगलोर में। बैंगलोर में, आसाम में काफ़ी शोज़ वगैरह किया हूँ मैं, उसके बाद बैंगलोर में स्टे करती, जब वहाँ पे भी इवेंट करती थी, डांस का शौक है, डांस करती थी, ऐसे ही इस लाइन में जुड़ गई। उसका कीड़ा कभी नहीं काटा, क्योंकि मुझे पहले तो मेरा गाना, पेंटिंग, डांसिंग में शौक था, कि मुझे डांस रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करना। जब DID आता था, मैं सोचती DID को मैं कब जाऊँगी, तो एक एक एज के हिसाब से मतलब माइंड सेट होता हर एक जगह पे, तो उसी हिसाब से एक्टिंग का कीड़ा आया कि मुझे एक्टिंग करना है। मैंने कभी एक्टिंग नहीं सीखा है, बस डांस करती थी। बोलते हैं ना कि डांस पे तुम डांस गंदे करो चलता है, लेकिन एक्सप्रेशन मेंटेन करो, वो मस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने एक्टिंग कभी नहीं सीखा, बस वही अपना डांस का जो है एक्सप्रेशन वगैरह वगैरह, उसी से मैंने अपने आप को पर्दे पे मतलब रखा। डांस सीखा? डांस मैंने बचपन से किया होता था ना, क्या बोलते हैं, MTV लगा के, जो रात को MTV लगाती थी, गाना देता था, देख देख के TV में ऐसे डांस करती थी। उसके बाद सब लोगों ने देखा कि मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ इस चीज़ के लिए, तो उन्होंने मुझे बोला कि इसको क्लासेस ज्वाइन करवा देते हैं। तो मैंने ओनली 3 मंथ डांस क्लासेस किया, और वहाँ का जो मेरा जो टीचर है, उन्होंने बोला मुझे कि तू बहुत अच्छा डांस करती है, इससे अच्छा तू असिस्टेंट बन जा मेरा। तो उनके असिस्टेंट में बन गई थी, और उनके साथ मैं काम करती थी। तो मैंने काफ़ी स्टेज शो किया आसाम में। आसाम में मुझे सब लोग जानते एज ए मोनी, क्योंकि मेरा रियल नाम है मोनी चक्रवर्ती, और प्रोफेशनल नाम है लरीसा चैक्स। तो इस नाम से मुझे सब लोग जानते हैं, मोनी नाम से मुझे आसाम में सब लोग पहचानते हैं ऑलमोस्ट। नाम चेंज क्यों, क्या वजह है? क्योंकि मुझे यूनिकनेस चाहिए अपने लाइफ में, कि तुम्हें पहचाने तो कोई अच्छा, कुछ यूनिक चाहिए ना, हर कोई अपने लाइफ में कुछ यूनिक करता है, तो मैं भी अपना लाइफ में कुछ यूनिक करना चाहती हूँ, तो अपने इसलिए नाम को मैंने चेंज कर दिया, लरीसा चैक्स। हाँ, घर वालों की तरफ से ऐसा था, भैया सपोर्ट नहीं करते थे, मेरा जो और दो सिस्टर है उनका शादी हो गया, उनके घर वाले भी सपोर्ट नहीं करते थे, बस मेरे मम्मी सपोर्ट करते थे मेरे को, लेकिन मम्मी सपोर्ट करते थे ये नहीं कि मम्मी मुझे एज ए फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा बाहर जाने से, मम्मी ऐसे सपोर्ट करते थे, मम्मी को बोलूँ मम्मी मैं ये करूँ कर ले, वो करूँ कर ले। मेरे को टैटू बनाने का मन था, मैं बोला मम्मा टैटू बना लो, मैं ये बोल रही हूँ, मम्मी हर एक चीज़ को कंफर्टेबल थे मेरे लिए, हाँ कर ले, बट मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जब बाहर जाने का बात किया, मम्मी ने बोला इतना दूर तो मैं नहीं जा सकता, नहीं दे सकता, क्योंकि मम्मी बाहर की दुनिया के बारे में बहुत गंदे ख्याल रखते कि ऐसा ऐसा होता है, वैसा वैसा होता है, तो नहीं जाने दे रहे थे। बहुत रिक्वेस्ट कर मम्मी को मनाया, मैं बाहर ऐसे चली आई, फिर मम्मी भी सपोर्ट करते, बाकी कोई सपोर्ट नहीं करते। मेरा अगला सवाल यही है, जैसे आप बॉलीवुड में आते हो,
यहाँ कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, काम ले ये कर ले वो कर ले, ये कहीं कुछ हुआ आपके साथ में कभी? जब मैं आसाम से जब निकली थी फर्स्ट टाइम, तो मैं दिल्ली में स्टे करती थी, तो काफ़ी लोगों ने बोला कॉम्प्रोमाइज़, मेरे को नहीं करनी है कॉम्प्रोमाइज़, मेरे को इस चीज़ से नफरत है, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ करके काम ले लें तो क्या मतलब, अपना टैलेंट को तुम अपना, अगर तुम्हारे पास टैलेंट है तुम ऐसे काम कर सकते हो, कॉम्प्रोमाइज़ करने का जरूरत तो मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, पहले सोची अपने लाइफ में सक्सेस हो जाऊँ उसके बाद इस लाइन में कदम रखूँ, तो मैंने अपने माइंड से निकाल दिया कि मुझे एक्टिंग करना है। पापा ने कुछ नहीं कहा? पापा नहीं थे, पापा बचपन में गुजर गए। तो भैया ने कहा होगा कि मत जा बॉलीवुड बॉम्बे? भैया तो बहुत नफरत करते थे मुझसे, अभी जाके मुझे प्यार करते कि हाँ चलो बाहर में रह के भी तो इतनी अच्छे से रह रही है, होते हैं ना कि लोग बाहर जाने से बिगड़ जाते हैं, तो वैसा मेंटेलिटी थे घर के सबके, तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग प्यार करते हैं, सब लोग आशीर्वाद करते हैं कि करूँ कुछ लाइफ में, और कुछ हेल्प चाहिए तो बोलना, अभी घर से भी कोई इशू नहीं है। अच्छा, आपने कहा दो फिल्में, दोनों फिल्में लखनऊ पे, हाँ ये क्या क्या मतलब क्या मानते हो कि डेस्टिनी है ये, किस्मत है ये? वही मैंने कभी सपने में नहीं सोची थी कि मुझे लखनऊ जाना है, क्योंकि बैंगलोर जैसे शहर में रहकर मुझे लखनऊ का वेदर भी शूट नहीं करता था, क्योंकि बैंगलोर में बहुत अच्छा वेदर है, क्योंकि मैं आसाम में रहती थी, आसाम में रह के जैसा फील होता था वैसे बैंगलोर में रह के भी फील होता था। जब आई मैं लखनऊ, फर्स्ट शुरू शुरू में कुछ अच्छा नहीं लगता था, उसके बाद धीरे 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 अच्छा लगने लगा, अभी तो लखनऊ से प्यार हो गया मुझे। तो वहाँ का लोग ही ऐसा है कि एक टाइम समझ किसी को भी आप जानो समझो तो अच्छा लगने लगता है। आप कितनी कंफर्टेबल हो बॉलीवुड में? कहते हैं कि आज बड़ी बड़ी एक्ट्रेस हैं, हाँ। कपूर से देवी हो, जो भी जितनी भी एक्ट्रेस है सब इतनी बिकनी वगैरह पहनने में, कपड़े पहनने में कितनी कंफर्टेबल हो? अभी फिलहाल बिकनी में कंफर्टेबल नहीं हो, ठीक है, और लोग एक टाइम सक्सेस होने के बाद ही ऐसा कदम उठाते हैं, तो मैं अभी फिलहाल अपना कदम रख रही हूँ बॉलीवुड में, एक टाइम सब लोग जानने लग जाए पहचानने लग जाए फिर मैं सोचूंगी इस बारे में। इंटीमेट सीन जो होते हैं, इंटीमेट सीन के बारे में स्क्रिप्ट की डिमांड है, आप जो फिल्म कर रही है स्क्रिप्ट की डिमांड है, डिपेंड करता है ना अभी कैसा आप मतलब डिपेंड करता है कि मूवी कहाँ से ऑफर आया आपको, डायरेक्टर कौन है, उसके हिसाब से आप डिपेंड करता है कि इंटीमेसी करना है नहीं करना है। अगर लो बजट का मूवी आप इंटीमेसी करते हो तो उसमें लोगों का मेंटलिटी गंदे सोचते हैं सब, तो डिपेंड करता है कहाँ से ऑफर आया मूवी का। तो अगर मुझे छोटे बजट की फिल्म हो, न्यू कवर आर्टिस्ट हो और फिल्म एक इंटीमेट सीन हो, कहा है या कह दे आप इंटीमेट सीन और पिकनिक सीन तैयार है? मैं नहीं तैयार, मैं ऐसा लो बजट के मूवी में कंफर्टेबल नहीं हूँ करने के लिए, क्योंकि पब्लिक बहुत गंदे शुरू शुरू में अगर आप फर्स्ट यही करोगे तो पब्लिक आपको उसी में देखना चाहेगा, अब जितना भी अच्छा कर लो वो लोग उसी में देखना चाहेगा, तो मेरे ख्याल से मैं नहीं करना चाहती। हम बात करें फैशन की, तो आपका फैशन मंत्र क्या है, पता नहीं क्या आप किस तरह से चाहते हैं कि इतने टाइप पहनने, एक नॉर्मली बात कर रहा हूं फैशन की बात, तो क्या मंत्र है मंत्र की फैशन, कपड़े ऐसे हो ऐसे हो? कपड़े पहनो जो मन है वो पहनो, क्योंकि फैशन है, मैं को फैशन में सब कुछ पसंद है, मैं सब वेयर करती हूँ, पहले सूट साड़ी ये सब पसंद नहीं था, फिलहाल ये सब भी पसंद है, एज के हिसाब से सब कुछ अच्छा लगने लग जाता है, तो मैं सब कुछ वेयर करती हूँ, ऐसा कोई इशू नहीं है। आर्टिस्ट एक मेरा आर्टिस्ट है, जो एक्टर है उसका नाम है रॉबिन शोरी, और जो एक्ट्रेस है उसका नाम है रीतम भारद्वाज, और उसके मैं सेकंड लीड हूँ लरिसा चैक्स, और हम लोग काम करें, और एक है एक्टर का पापा उस इस मूवी में, रतन राठौर जी भी काम कर चुके हैं और मनोज बख्शी जी भी काम कर चुके हैं इस मूवी में, हम लोग इतना ही एक्टर है। मस्ती बहुत होते थे हम लोग के सेट पे, हम लोग बोलते थे 9 बजे काम शुरू होना है तो होना है, बट कोई मेंटली प्रिपेयर नहीं रहता है कि हाँ 9 बजे मुझे काम करना है, नेक्स्ट डे बोलते 7 बजे कैमरा ऑन होगा सब लोग सेट पे आ जाना चाहिए, 7 बजे कोई दिखता ही नहीं सेट पे, तो ऐसा बहुत कॉमेडी होता था, झगड़ा होता ये होता, ऐसे हम लोग का सेट पे सब लोग मिलजुल के काम करते थे, क्योंकि सब लोग न्यू थे, सब लोग कुछ ना कुछ बनना चाहते थे, तो ऐसा कुछ इशू नहीं है, सब लोग अच्छे से काम किया, बहुत मस्ती मजाक होते थे, और प्रोड्यूसर भी बहुत फ्रैंकली थे सबके साथ, बहुत अच्छे से बात करते थे, और डायरेक्टर भी काफ़ी अच्छा है हम लोगों का मूवी का डायरेक्टर सनोज मिश्रा, और प्रोड्यूसर का नाम है अर्पित अवस्थी,
और रहे माही आनंद, काफ़ी अच्छा लगा उन दोनों के साथ काम करके, और डायरेक्टर के साथ भी काम करके काफ़ी अच्छा लगा। सनल मिश्रा काफ़ी अच्छा है, उनके साथ हम लोग न्यू है इस लाइन में, उन्होंने हमको इस तरह से नहीं लिया कि न्यू है तो कुछ भी बोलो, ये करो वो करो, अच्छे से बात करते थे, काफ़ी अच्छा लगा काम करना। क्या कुछ संदेश दे रही है फिल्म, क्या कह रही है, क्या पब्लिक क्या कह रही है, क्या मैसेज दे, क्या यूएसपी होगी फिल्म? फिल्म सस्पेंस, एंजॉय कीजिए दो घंटा तक। क्या फिल्म में ऐसा है कि सस्पेंस है जो लोगों को अच्छा लगेगा, बाकी फिल्म आने के बाद ही पता चलेगा लोगों को कितना पसंद आता है, बाकी कुछ न्यू देखने को मिलेगा इसमें आपको। बस जैसे कि आपने कहा कि लवर के नवाब में कुछ कुछ नवाबी शौक रखते हैं, हाँ जो ये दो मीनिंग बात होती है, कुछ लोग गलत भी कहते हैं इसको नवाबी शौक क्या है। लफंग नवाब क्या है, जो एक बड़ा बिजनेसमैन का बेटा है, जो एक्टर है जो रॉबिन सोही, उसका इतना बड़ा उसका पापा इतना बड़ा बिजनेसमैन होने के बावजूद भी वो लफंगे जैसा काम करता है, उसको पापा का बिजनेस में कोई शौक नहीं था, लफंगे जैसा घूमता है, म्यूज़िक बैंड है उसका, यहाँ वहाँ शो करता है, तो उसके साथ भी लफंगे दोस्त रहते हैं, तो लोग बोलते हैं लफंगे जैसे घूमता है फिरता है, ऐसे बातें करते हैं उनके बारे में। और बाद में उसका पापा है नवाब, क्योंकि उसका पापा बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तो इसलिए इस मूवी का नाम रखा है लफंगे नवाब, क्योंकि लफंगे उसके बच्चे, नवाब उसका पापा, इसलिए। कितनी एक्साइटमेंट है आपको फिल्म देखने वाली? एक्साइटमेंट काफ़ी है, क्योंकि ये मूवी में सब लोग न्यू है, हीरोइन भी न्यू है, मैं भी न्यू, और एक्टर जो है रॉबिन सोही, उसने दो तीन मूवी कर चुका है लेकिन मार्केट में अभी तक नहीं आया उसका भी मूवी, तो सब लोग न्यू है, अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा काम करके, सब लोग एक्साइटेड है कब आएगा ये मूवी, कब आएगा। सबसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस है, देखते हैं अभी क्या होता है। थैंक यू।